भानु शर्मा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम. इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम र इक्विपोटेंशियल सरफेस चाहिँ वेरियस चार्ज सिस्टम मा कस्तो हुन्छ हामीले एउटा पिक्चर रिप्रेजेन्ट गर्छौं. सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेस नम्बर 1. इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मीन्स क्यू ग्रेटर देन जीरो. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मीन्स क्यू ग्रेटर देन जीरो. सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज. Now we have to draw the equipotential surface. For positive point charge. Electric field. Radial outward electric field produced by positive charge. This is an equipotential surface. Use equipotential surface by for positive charge. U surface by. अनि यो सर्फेस जति पनि बीचको सर्फेसहरू छ दिज आर इक्विपोटेन्सियल सर्फेस फर पोजिटिभ पोइन्ट चार्ज. हामीलाई इक्विपोटेन्सियल सर्फेस क्यू ग्रेटर देन जिरो हुँदा कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ. यो चाहिँ भयो क्यू ग्रेटर देन जिरोको इक्विपोटेन्सियल सर्फेस भयो. नेक्स्ट इज नेगेटिभ पोइन्ट चार्ज. फर नेगेटिव पॉइंट चार्ज में क्यू लेस देन जीरो. अब इसमें के होता तो भादा पॉजिटिव चार्ज में रेडियल आउटवर्ड फील्ड थी भने नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड फील्ड होता. यहाँ नेगेटिव चार्ज रेडियल आउट इनवर्ड फील्ड सब भित्र फर्क होता इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें पॉजिटिव चार्ज को लगी क्यू ग्रेटर देन जीरो को लगी पोटेंशियल डिफरेंस होता 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर. क्यू लेस देन जीरो को लगी होता पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर होता. यह कुछ हमें याद होता पोजिटिव चार्ज गिव पोजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज गिव्स नेगेटिव पोटेंशियल. Yeah, this is the second case, Q less than 0. Now, number 2. This is number 2. Number 3. Number 3, equipotential surface of two equal and opposite charges. Number 3, equipotential surface of two equal and opposite charges. Means two equal and opposite charges
अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस सो टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज मीन्स डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल में इसमें अथवा इलेक्ट्रिक डाइपोल में कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज. नाउ फर पॉजिटिव चार्ज द इक्विपोटेंशियल सर्फेस इसको मात्र इक्विपोटेंशियल सर्फेस हामीले हेर्नु पर्यो पहिला. सो इक्विपोटेंशियल सर्फेस फर पॉजिटिव चार्ज दिस इज फर पॉजिटिव चार्ज. नाउ नेगेटिव चार्ज को पनि इक्विपोटेंशियल सर्फेस हेर्नु पर्यो पहिला. ओके दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मेक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल. प्लस चार्ज अनि अर्को माइनस चार्ज भने यसले इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाउँछ. सो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल ने इक्विपोटेंशियल सर्फेस कस्तो बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इंडिविजुअल हेर्यो भने चाहिँ यस्तो छ इक्विपोटेंशियल सर्फेस दुईटा को इंडिविजुअल हेर्यो भने. तर हामीले अब यो दुईटै चार्जलाई चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नि यसको इक्विपोटेंशियल सर्फेस हुन्छ यहाँबाट एउटा जुन चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्स यता जान्छ पोजिटिभ टु नेगेटिभ यहाँबाट पनि पोजिटिभ टु नेगेटिभ पॉजिटिव टू नेगेटिव फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स त्यतिखेर चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन अफ फोर्स पॉजिटिव पर स्टार्ट हुन्छ र नेगेटिव में एंड हुन्छ. र यो दुईटा चार्ज को जुन चाहिँ इक्विपोटेंशियल सर्फेस भयो अझै हामीले बनाउन सकिन्छ. It start from positive charge and end at negative charge. Electric field start from positive charge and at negative charge. यो चाहिँ भयो इलेक्ट्रिक डाइपोल को. र इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड कस्तो हुन्छ त भन्दा चाहिँ सिलिन्ड्रिकल सिमेट्री हुन्छ. यो हामीले सिलिन्ड्रिकल सिमेट्री देख्छ डाइपोल मा चाहिँ यहाँबाट हेर्यो भने चाहिँ सिलिन्डर जस्तो देख्छ. यता इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिँ कस्तो देख्छ सिलिन्डर जस्तो देखिन्छ. सो यो भयो नम्बर टू केस. नम्बर थ्री This is number three. Now number four. Number four is equipotential surface of two equal charges this one is a case two equal charges plus q are separated by a small distance. तर यो चाहिँ डाइपोल होइन किन भन्दा चाहिँ इक्वल चार्ज छ अपोजिट चार्ज छैन त्यही भएर डाइपोल होइन स्मल डिस्टेन्स इट इज नट अ डाइपोल. सो दिस इज पोजिटिभ चार्ज दिस इज अल्सो पोजिटिभ चार्ज दिस इज क्यू ग्रेटर देन जिरो दिस इज अल्सो क्यू ग्रेटर देन जिरो. अब यसमा पहिला हामीले इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रोस्टेटिक मतलब इक्विपोटेन्सियल सर्फेस ड्र गर्नु पर्यो.
यतापट्टि पनि यसमा पनि हामीले इन्डिभिजुअल इक्विपोटेन्शियल सर्फेस ड्र गर्नु पर्यो। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा चाहिँ लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, सो इक्विपोटेन्शियल सर्फेस लाइक चार्ज रिपेल इच अदर मिन्स यहाँबाट निस्केको फिल्ड यस्तो जान्छ, यस्तो आउँछ, यहाँबाट निस्केको फिल्ड पनि यस्तो आउँछ, रिपेल गर्छ। रिपेल गर्छ दे आर रिपेल इच अदर। यो भयो इक्विपोटेन्सियल सर्फेस अफ सेम काइन्ड अफ चार्जेस, इक्विपोटेन्सियल सर्फेस अफ सेम काइन्ड अफ चार्जेस। यो चाहिँ भयो क्यू ग्रेटर देन जिरो भयो। सपोज हामीले यहाँनिर माइनस क्यू कन्सिडर गर्यौँ, माइनस क्यू माइनस क्यू, यहाँनिर माइनस क्यू छ मिन्स क्यू लेस देन जिरो, क्यू लेस देन जिरो छ, फर क्यू लेस देन जिरो रेडियल इन्भर्ट चार्ज, रेडियल इन्भर्ट लाइन अफ फोर्स। फर नेगेटिभ चार्ज दिस इज केस बी, फॉर चार्ज लेस देन जीरो। नाउ नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेस यस्तो हुन्छ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिन्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर पैरेलल, प्यारलल इलेक्ट्रिक फिल्ड छ भने त्यसलाई युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड भन्छ। युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डमा इको पोटेन्सियल सर्फेस यस्तो हुन्छ। ओके, यो चाहिँ भयो युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्डको केस। सो इम्पोर्टेन्स अफ इको पोटेन्सियल सर्फेस, दिज आर द केसेस अफ इक्विपोटेन्सियल सर्फेस अफ भेरियस चार्ज सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेन्स अफ इक्विपोटेन्सियल सर्फेस, इम्पोर्टेन्स अफ इक्विपोटेन्सियल सर्फेस। इम्पोर्टेन्स अफ इक्विपोटेन्सियल सर्फेस, इम्पोर्टेन्स अफ इक्विपोटेन्सियल सर्फेस लाइक लाइन चार्ज, लाइक लाइन अफ फोर्स द इक्विपोटेन्सियल सर्फेस गिभ्स अ भिजुअल पिक्चर अफ
both direction and magnitude of electric field. Number one, equipotential surface gives the visual picture of direction and magnitude of electric field. Direction and magnitude of electric field. इक्विपोटेंशियल सर्फेस के भादा खेल मैग्नेट्यूड र डिरेक्शन जो विजुअल पिक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअल पिक्चर दिन्छ जिसको मैग्नेट्यूड र डिरेक्शन को विजुअल पिक्चर से इक्विपोटेंशियल सर्फेस ले दिन्छ इक्विपोटेंशियल सर्फेस को एउटा इम्पोर्टेन्स भयो। नेक्स्ट इज अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी फाइन्ड द्याट इक्विपोटेन्सियल सर्फेस फाइन्ड द्याट इक्विपोटेन्सियल सर्फेस वी फाइन्ड द्याट इक्विपोटेन्सियल सर्फेस आर क्लोजर टुगेदर आर closer together in the region of strong electric field and farther apart in the region of weak electric field. Okay, suppose this is a point charge. Now draw an electric field line. Of point charge near the charge यहाँ के होता तो भाग इकोपोटेन्सियल सर्फेस क्लोज हो नजिक इकोपोटेन्सियल सर्फेस क्लोज होता मीन्स क्लोज होने को मतलब ये इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी तैने ज्यादा जी टाड़ा गयो इकोपोटेन्सियल सर्फेस बढ़ते मतलब फार हो टाड़ा होते जान मीन्स अब इकोपोटेन्सियल सर्फेस टाड़ा होते मीन्स इकोपोटेन्सियल सर्फेस टाड़ा होने को मतलब इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी घट्ते जानु हो तो यह हम इम्पोर्टेन्स इकोपोटेन्सियल सर्फेस। ओके दिस मच फॉर टुडे थैंक यू।